Now we will see how we can organize care routines. Some issues may arise around how you organize personal care routines and assumptions about the regular routines of a day or session in a group setting or the home of a childminder. देखिए हम ये ऐस कर रहे थे जब हम manage कर रहे होते हैं differences को, disabilities को, तो जो इदारा है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा classroom है उसके अंदर हमने रूटीन्स को अपना हिस्सा बनाना है ख्वाब वो बच्चे डिसेबल हैं और ख्वाब वो नॉर्मल बच्चे हैं हम सबको एक रूटीन के तहत लाएंगे ताकि जो केयर के स्ट्रेटजीज हैं उनमें कोई लैप्स ना आए कहीं कोई इरेगुलरिटी ना आए अगर इ आएंगी आएँगी तो एक तो उनके इलाज में और उनकी जो एजुकेशन है उसमें भी तब्दीली आ जाएगी फ़र्क आ जाएगा कमी रह जाएगी और दूसरा ये कि कोई भी इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाता ना बच्चे कर पाएंगे और ना सो पर्सनल केयर एंड डिसेबिलिटी में हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं एनेबल चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट देयर प्रेफरेंसेस ओवर देयर पर्सनल केयर सबसे पहले तो बच्चों को इस काबिल करना है कि वो अपनी पर्सनल केयर के बारे में चीज़ों को जान पाए और उन पर अमल दरामद करें यानी उनको खुद को क्या करना है कुछ छोटी मोटी जो अपनी हाइजीन है वो हाइजीन कैसे करेंगे और ये कि अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखेंगे कुछ बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या अगर टॉयलेट ट्रेनिंग है तो फिर उनको हेल्प आउट किया जाता है कि किस तरह से वो उसको मैनेज करेंगे इफ़ दे आर स्पेशल और अदरवाइज तो फिर ये सारी चीज़ें उनको बतानी है कि अपनी पर्सनल केयर के लिए कौन सी ख़ास बातें उन्हें रोज के रोज वक्त पर करनी है देन हेल्प चिल्ड्रेन टू रेगुलाइज देयर डेली रूटीन अब जैसे मैंने अर्ज़ किया उनको मामला को भी एक तरतीब दी जाएगी सबसे पहले सुबह वो क्या करेंगे कैसे वो तैयार होते हैं अपनी सफाई कैसे करते हैं ड्रेसअप कैसे होते हैं स्कूल किस तरह से आ रहे हैं स्कूल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी चूँकि हम अर्ज़ ये कर रहे हैं कि ख्वा नॉर्मल बच्चे हों खास स्पेशल बच्चे हों उनके लिए एक रूटीन बनाना और उनकी एक्टिविटीज़ को तरतीब देना इसलिए मुफ़ीद रहता है कि फिर वो उसको आदि होते हैं और वो खुद ब खुद चीज़ों को जान जाते हैं कि अब मज़ीद उनको क्या करना है देन वी हैव टू इनक्रेज एंड सपोर्ट विथ पॉज़िटिव बिहेवियर देखिए डिसप्लनाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सख्ती और स्ट्रिकनेस इस, इस्तेमाल की जाए बच्चों को नेगेटिवली अप्रोच किया जाए ये ज़रूरी नहीं बच्चों को अच्छे तरीके से पॉजिटिव बिहेवियर के साथ हौसला अफज़ाई के साथ और उनको अप्रीशिएट करते हुए हमें उनको रूटीन में लाना है और उनको उनके फ़ायदे की बातें ये सिखानी हैं जैसे हम समझते हैं कि सपोर्ट फॉर सेल्फ रिलायंस, जो बच्चे खुद पे इंसार करना शुरू करेंगे तो हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उनको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे एनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल इक्विपमेंट लाइक वाइज मोबिलिटी एड्स ग्लासेस हियर एड्स एंड सो ऑन जो बच्चे कुछ इक्विपमेंट साथ रखते हैं मुसलसल तो उनको बताया जाएगा कि भाई अपनी ऐनक का ध्यान कैसे रखना है आपने अपनी हीरिंग एड को कैसे संभालना है और आपने मूवमेंट के लिए किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है तो अपने इक्विपमेंट का क्या ख्याल रखना है अगर बच्चों को ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं तो वो जरूर समझ जाते हैं फिर उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि वाह आपने तो बहुत अच्छा ख्याल रखा उसको जेस्चर से बताएं उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बताएं और लाउडली उसको लाउडली का मतलब होता है बड़े ऐसे इस तरीके से कि बच्चे को पता चले वाकई कोई ऐसी बात हुई है जो अच्छी है तो फिर उसका हौसला मजीद बढ़ेगा हेल्प देम टू लर्न द स्किल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल चिल्ड्रन तो आपने क्या सिखाना है बच्चों को कि वो ज़िम्मेदारी महसूस करें अपने लिए भी और अपने एनवायरनमेंट के लिए भी और जैसे हम अर्ज़ कर रहे थे कि हमने हर तरह के बच्चों को माशरे के मुफीद रुकन बनाना है तो हमारी कोशिश होगी कि उनको हर वो बात सिखाएं जिसमें सबसे पहले वो अपना ख्याल रखें फिर अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करें उनको लगे कि ये हमारा फ़र्ज है हमें करना है और जितना ज़्यादा हम सेल्फ रिलायंस पे आएंगे खुद इनहिसारी पे आएंगे इंडिपेंडेंट होंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है कि और किसी को हम किसी भी मोहताजी के लिए कहें या कोई भी काम कहें तो उससे बहुत बेहतर है कि हम खुद करें तो अब तो मेरे ख्याल में नॉर्मल बच्चों में भी ये बात पैदा करने की ज़रूरत है उनको ये बताने की जरूरत है कि भाई वो उनको अपने सारे काम खुद करने हैं बजाय इसके कि वो बड़ों की तरफ देखें या एजुकेटर से मदद लें या किसी और से मदद लें किसी हेल्पर से मदद लें ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए देन कॉन्टिनेंस होल्डिंग बैक बॉडी फंक्शन एंड इनकॉन्टेन्स देखिए कुछ मूवमेंट्स हमने डिसेबल बच्चों को सिखानी कौन सी ऐसी वो हरकत नहीं करेंगे जिससे उनको नुकसान पहुंचे गिर जाए चोट लग जाए ये जहाँ हम नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं वहाँ स्पेशल बच्चों को सिखाने की मज़ीद ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को किसी मुश्किल या तकलीफ में ना डालें सम्स उनके लिए छोटा छोटी सी एक बात जो है वो बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकती सो so, हमें उनको इन सारी चीज़ों से बचाना है और आता आहिस्ता ट्रेनिंग करनी है कि कौन सी मूवमेंट उनके लिए हेल्दी हैं सेफ़ हैं और कौन सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हैं और जिसके बाद उनको ज़्यादा मसायल का शिकार होना पड़ेगा सो so, ये छोटी छोटी ट्रेनिंग हमें वक्त के साथ साथ जैसे ही कोई भी मौका मिलता है कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो ये जो हमारे हेल्प हेल्पर हैं जो एजुकेटर हैं जो वालदेन हैं ये उनका फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं